एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कुछ लेटेस्ट स्लीव डिज़ाइन जो आप अपनी कुर्ती पे, पंजाबी सूट पे, किसी भी तरह का सूट या ड्रेस बनवा रही हैं तो उसमें बनवा सकती हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ऐसा आप कुछ ट्राई करें डिफरेंट कलर के साथ। आप जो अपनी डिज़ाइनिंग है वो पर्ल्स के साथ, बीड्स के साथ करवा के देखें, नेट वाली बाजू पे आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाना है, आप कुछ ऐसा छोटा सा डिज़ाइन लेके उसको टेसल्स के साथ बनवाए, दिस इज ऑल्सो वेरी अच्छा सा डिज़ाइन। इसको आप किसी भी ड्रेस में, सूट में बनवा सकते हैं। ये भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, अच्छा लगेगा आपके सूट पे। दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग सा है। इसको जिन लड़कियों की हाइट बहुत टॉल है वो जरूर ट्राई करें, उन पर काफ़ी अच्छा लगेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक, ये तो आप किसी पर भी बना सकते हैं। आप अगर ब्लाउज बनवा रहे हैं, सूट बनवा रहे हैं तो ड्रेस पे भी, दिस इज ऑल्सो गुड। आपको क्या करना है, एक कट लगवा के कट में डिफरेंट कपड़ा इंसर्ट करवा के बटन्स लगवाएं। ऐसा डिज़ाइन तो हम टॉप्स में भी देखते हैं, लेकिन ऐसा डिज़ाइन आप सूट में बनवा के देखें, ये काफ़ी ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है। अगर आपका सूट बहुत प्लेन है तो आप कुछ ऐसी अपनी आर्म्स पर रखवाएं ताकि आपका जो सूट है वो एकदम अच्छा लगे। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, लेकिन आपको अच्छा बनाएगा अगर आप ऐसा आउटफिट लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप कुछ ऐसा भी बनवा सकती हैं नेट में, तो क्या है कि इसका जो बेल स्लीव्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर आप उसको नेट के साथ बनवाते हैं। बटन्स के साथ ऐसे कट लगवा कर भी काफ़ी अच्छी स्लीव्स बन सकती हैं, और इसको आप ब्लाउज पे भी ट्राई कर सकती हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सिंपल है, लेकिन बहुत ही एलिगेंट लुक देगा आपकी ओवरऑल ड्रेस को। आपको कुछ ऐसा भी ट्राई करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सूट को बहुत अच्छी सी लुक दे देता है अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है तो। ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें डिफरेंट कलर का आप रिबन्स यूज़ कीजिएगा, बेल, ज़्यादा बेल, बेल स्लीव्स नहीं, थोड़ी सी बेल स्लीव्स बनवा कर। दिस इज़ वेरी सिंपल, अगर आपको बिल्कुल कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए लुक बनवानी है तो आप जो अभी देख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन और पीछे वाला डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड, इसमें क्या आपको नेट की ऐसे फ्लफी स्लीव्स बनवानी है, ये भी काफ़ी एक अच्छी लुक दे देगा आपको। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, अगेन अगर आप इसको बनवाते हैं तो आपकी आर्म्स काफ़ी इन्हेंस्ड लगेंगी, अगर आपकी आर्म्स लंबी अच्छे से तो आपको इसको यूज़ करके देखना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, आप इसको कॉलेज में, ऑफिस वेयर में कहीं भी यूज़ कर सकती हैं, बनवा सकती हैं। दिस इज़ वेरी नाइस, इसको आप अपनी ड्रेस में बनवा सकते हैं अगर आप किसी भी तरह की ड्रेस बनवा रही हैं तो। ये तो एक सिंपल ऐसे पट्टी लेस लगवाई हुई है, ये तो किसी भी आप आउटफिट पे बनवा लें, इसमें कुछ इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकती हैं अगर आप टेलरिंग का काम करती हैं तो। दिस इज़ वेरी यूनिक, फुल बाजू और आगे ऐसे दो बटन टाई कीजिए। इसको आप ब्लाउज में ट्राई करके देखिएगा, वैसे तो आप इसको सूट में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्लाउज में ये काफ़ी अच्छा लगेगा। दिस इज़ ऑल्सो सिंपल अगेन, इसको आप कॉलेज के लिए बनवाएं, अपने ऑफिस गोइंग वेयर में बनवाएं, इसको जरूर यूज़ करके देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी नए, यूनिक, स्टाइलिश, सिंपल, हर तरह का जो आइडिया वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे काफ़ी सुंदर डिज़ाइन आपको मिलने वाले हैं, और इनमें से कोई भी डिज़ाइन पिक करके आप अपने सूट पे, ड्रेस पे, शरारा पे, जैसा भी आप आउटफिट बनवाना चाहती हैं उसमें ज़रूर इंसर्ट करवाएं। क्योंकि ये ओवरऑल लुक, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी आर्म्स बहुत अट्रैक्टिव हो ना तो आपका ओवरऑल लुक का वो काफ़ी अच्छा लगता है। मोरओवर अगर आपका सूट थोड़ा प्लेन और सिंपल साइड में है तो आपको ज़रूर ही कुछ आर्म्स पर करवाना चाहिए, उससे क्या होता है जो ओवरऑल सूट की लुक होती है वो काफ़ी इन्हेंस्ड हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ।